नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और देखिए मेरे यहाँ कितने अच्छे गजनिया के फूल खिल रहे हैं, बहुत सारे रंग आते हैं। देखने से ऐसा लगता है इसको कि बड़ी फुर्सत में भगवान जी ने इसको पेंट किया है और बहुत ही बारीकी से इसको कलर दी है। तो ये देखिए, ये जो है मेरा डेंथस और फ्लॉक्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरा टेरेस गार्डन इन फूलों से। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो आज मैं इन फूलों की बात नहीं करूंगी, आज मैं बात करूंगी कि फरवरी में हम कौन कौन से प्लांट्स को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैं साल में 2 बार कटिंग्स लगाती हूँ प्लांट्स की, मतलब एक फेब में, फरवरी में बहुत अच्छे से लगती हैं, और सितंबर लास्ट में या मिड में आप कटिंग लगाएं तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ सफ़ेद चमेली, जो कि मैंने कटिंग से लगाई थी सितंबर में लास्ट, और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। इसकी मैंने और भी कटिंग्स तैयार की हैं। तो आप कहीं से भी इसकी एक टहनी ले आइए सॉफ्ट वुड, और उसको आप लगा लीजिए। बस ध्यान ये रखना है हमें, जो हम फेब में फरवरी में कटिंग्स लगाते हैं उन्हें छाया में रखें। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। इस प्लांट का मुझे नाम पता नहीं है, तो इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। आप गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं, देसी गुलाब हो या हाइब्रिड हो। और अगर आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप ग्राफ्ट करके भी गुलाब को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कटिंग से गुलाब को लगा रखा है और इसमें फुटाव आ गया है। ऐसे ही आप बहुत सारे कलर्स के गुलाब को लगा सकते हैं। ये है मेरा गंधराज का प्लांट, पिछले साल मैंने ख़रीदा था, और इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसकी 8 इंच की एक कटिंग ले लीजिए, उसको लगा लीजिए। ये मेरा गुड़हल है, ऑरेंज गुड़हल, और इसको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। और मिर्ची गुड़हल जो आप देख रही हैं, थोड़ा फूल सूख गया है इसका, इसमें भी बहुत फ्लावरिंग होती है। और जो हम बालों के लिए और कोई दवाई बनाते हैं गुड़हल से, तो ये वाले प्लांट की जो हमें पत्तियां वगैरह लेनी चाहिए, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये एक तरह से देसी गुड़हल होता है, और इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। इसको आप जब भी कोई भी कटिंग लगाएं तो आप छाया में रखें, क्योंकि दिन की धूप तेज़ भी है और हवा से भी आपको बचाना पड़ेगा। ये कलांचू है, कलांचू को या सकुलेंट प्लांट्स को आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फूल आते हैं इसके अंदर, बहुत सारी कलियां आ गई हैं इसमें, और कुछ ही दिनों में ये कलियां भी खिल जाएंगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है ये। ये तो है मेरा मोतिया का पौधा, इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर ये कटिंग से नहीं, एयर लेयरिंग से तैयार कर रखा है, और इसमें भी 2 प्लांट्स बन गए हैं। मोतिया का फूल तो आपने देखा ही है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगी। और कुछ नहीं करना होता ज़्यादा इसमें, बस आप एक लंबी सी टहनी को स्क्रैच कीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसे दबाया था तो 2 प्लांट तैयार हो गई है। मिट्टी से अपना भी अलग हो गया है प्लांट। और एक मैं आपको, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक टहनी को दबाया है, मैं अभी दिखा देती हूँ उसको भी। और ये देखिए, मोतिया के फूल ऐसे दिखते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। एक इस वाले में थोड़ी सी कम आती है, जो दूसरा होता है उसमें ज़्यादा अच्छी आती है। ये बेसिकली गजरे वगैरह बनाने में काम आता है, बहुत ही गुलाब जैसे छोटे छोटे गुलाब हों इस टाइप से फूल होता है। तो बस आपको क्या करना है, एक लंबी सी टहनी को लेके ऐसे स्क्रैच कीजिए और उसे मिट्टी में दबा दीजिए, और कुछ टाइम बाद आपका ये प्लांट तैयार हो जाएगा। आप इसको हिला हिला के मत देखिए, ये भी आपका फ्री में एक प्लांट तैयार हो जाएगा। अब बात करती हूँ पोलका की। पोलका डॉट बहुत ही सुंदर प्लांट है ये, हम पूरे साल इसको बचा के रख सकते हैं, थोड़ा हमें धूप का ध्यान देना होता है। और आप कैक्टस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं, कैक्टस प्लांट बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। ये यूफोरबिया मिली है, और ये है मेरी पीली चमेली,
जिसकी मैंने वीडियो डाल रखी थी कि कैसे मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया है। और ये देखिए बहुत अच्छी है, इसकी मैंने और कटिंग भी कर दी है। और ये बेबी रोज़ प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और ये है चंपा की कटिंग, और आप लगा सकते हैं। ये देखिए मधुकामनी की कटिंग को भी आप ग्रो कर सकते हैं। आप मॉर्निंग ग्लोरी को बीच से भी लगा सकते हैं, और इसकी टहनी को काट के आप अगर कटिंग की तरह लगाएंगे तो वो भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। तो ये आप बहुत ही आसान से आपके ये प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये है एलमंडा की बेल, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बस एक थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी कटिंग हवा से ज़्यादा हिले नहीं, चाहे कोई भी कटिंग हो आपकी, और धूप से थोड़ा सा बचाना है। और ये देखिए ये है कृष्ण कमल की बेल, और इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये बरसातों के दिनों में ज़्यादा अच्छी ग्रो होती है। ये हमारा बोगनवेलिया का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मेरे को, और इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बोगनवेलिया की जो कटिंग है वो बहुत जल्दी से तैयार नहीं होती, लेकिन वो ग्रीन रहती है और ये अपना टाइम से इसमें प्लांट लग जाता है। आप येलो बेल गोरी चोरी की कटिंग भी इस मौसम में लगा सकते हैं, और बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर, बहुत ही सुंदर लगती है ये। तो ये आपको कहीं से भी इसका प्लांट मिल जाएगा, रोड साइड पे अक्सर लगे हुए होते हैं, या गार्डन वगैरह जो होते हैं उनमें ये प्लांट लगा होता है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं इसकी कटिंग। और आप कनेर की कटिंग लगा सकते हैं, कनेर में बहुत सुंदर फूल आते हैं और हल्की हल्की सी खुशबू भी रहती है इसमें। तो ये जो कटिंग्स हैं इन प्लांट के बारे में मैंने वीडियोस बना रखी हैं। ये है मेरा थंबर्गिया अरेक्टा का प्लांट, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से इसकी कटिंग लग जाती है। एक तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताती हूँ कि आप कोई भी कटिंग लगाएं उसको हिला हिला के बिल्कुल मत देखें, और पानी का ध्यान रखें, वेल ड्रेन जो मिट्टी होती है उसी में ही आप अपनी कटिंग्स को लगाएं। और अच्छा यही है कि किसी प्लांट के साथ लगा लें आप, तो कटिंग जो है बहुत अच्छे से ग्रो होती है। ये है हमारा कटिंग से लगाया हुआ प्लांट ड्रेसिना का, ये सनसेवेरिया का है, और अगर आप कोई प्लांट रीपॉट करना चाहते हैं तो रीपॉट कर सकते हैं। मनी प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आप इस मौसम में लगा सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि मेरी बताई हुई जानकारी आपके काम आएगी। तो आप भी बहुत सारी कटिंग्स लगा के अपने यहाँ बहुत सारे प्लांट्स को तैयार कर लेंगे। और अगली वीडियो पर मैं फिर मिलूँगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पौधों का ध्यान रखें।